नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अश्वित अमर झा। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का मिशन मैथमेटिक्स का दिनांक 31 जुलाई 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स अपरिमेय संख्याओं का परिभाषा और वर्गीकरण। तो आइए कुछ संख्याओं पर नज़र डालें। यहाँ पे देखिए आपको नंबर दिया हुआ 8.472921। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद 9 है, लेकिन फिर 2 के बाद यहाँ पे 1 आ गया, 1 के बाद फिर 1 आ गया। तो ये कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, ना ही ये समाप्त हो रहा है, एंड हो रहा है कहीं। इसी तरह दूसरा नंबर देखते हैं 1.642869325। तो यहाँ पे देखिए 6 के यहाँ 6 के बाद 4 था, और जबकि आगे 6 के बाद 9 दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ 2 के बाद 8 था, जबकि यहाँ पे आगे 2 के बाद 5 दिया गया हुआ है। तो इस तरह से ये कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, और ये रूट टू है। तो ये इसको भी जब हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो ये भी कोई रूल फॉलो नहीं करता है। यानी इस तरह की संख्या ना तो समाप्त होती है, और ना ही संख्याओं के किसी समूह की पुनरावृत्ति होती है। यानी इस संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और इसको यदि हम करेंगे तो दशमलव का प्रसार अनवसानी और अनावर्ती होगा, अर्थात दिस नंबर इज नाइदर एंडिंग नोर रिपीटिंग एनी ग्रुप ऑफ नंबर्स। दिस टाइप्स ऑफ नंबर कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर पी वाई क्यू। द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ सच नंबर विल बी नॉट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी नॉट दशमलव के बाद ना तो ये ख़त्म होता है, ख़त्म होता मान लो जो 2 के बाद 2323 आता तो ये 23 के ऊपर बार लग जाता। तो ये इसको कहते हैं आसान और आवर्ती। यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। अब ये 2, 3, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 3, 1 तो इस तरह से कोई नंबर है ना, तो ये कभी ख़त्म हो रहा है, ये डॉट 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 चल रहा है। यहाँ 2 के बाद 3 है, यहाँ 2 के बाद 5 आ गया, फिर 2 के बाद 6 आ गया, 2 के बाद 3, 1। तो इस तरह से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो इसे पी बाई क्यू के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता है, यानी इस ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है इसका डेसिमल प्रसार, और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में भी नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। यानी इस तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब अपरिमेय संख्या की परिभाषा, कोई संख्या अपरिमेय कहलाती है यदि उसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। अर्थात अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ़ इट कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये नॉन एग्जाम्पल है, 0.6 लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 को 6/10 लिख सकते हैं। तो ये पी बाई क्यू स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 3/5 है, तो ये तो हो गया पी बाई क्यू। इसी तरह ये 30/5 है, तो इसको हम यदि 5 के टेबल से काट दें तो ये 6 आ गया, तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, तो ये भी पी बाई क्यू आ गया।
अब 23 है तो 23 को 23 बाय 1 कर दिए तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये नॉन एग्जाम्पल है, यानी उसका ये परिमेय संख्या कहलाता है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी ये अपरिमेय संख्या नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, रूट टू में 1.414 इस तरह से ये डॉट 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 जा रहा है तो ये इरेशनल नंबर है। ये अप्रोक्स मान है, रूट थ्री 1.732 ये अप्रोक्स मान है, ये पाई की वैल्यू 3.1415 इसी तरह 0.1001100111000 इस तरह से ये एग्जाम्पल है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब यहाँ पे कह रहा है आपको क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे रैशनल इधर हम रैशनल की तरफ लिखेंगे और दूसरे साइड इरेशनल की तरफ। तो ये देखिए ये 14 है तो ये 14 हो गया रैशनल, और ये 6 है 6 भी क्योंकि रैशनल को 14 बाय ये लिख सकते हैं, तो दूसरा 6 है क्योंकि 6 बाय 1 लिख सकते हैं, और 84 7.39 कंप्लीट हो गया है तो इसे भी डेसिमल कंप्लीट है, देखिए 7.39 है तो इसको हम लिख सकते हैं 7.39 बाय 100। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया तो इस तरह से ये भी रैशनल नंबर में आएगा। आगे देखते हैं 84 है वो भी रैशनल नंबर में आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 34.6767 रिपीट हो रहा है तो ये 67 बार ये भी इसमें आएगा। अब 99999 ये लिखा हुआ नंबर तो ये भी इसमें आएगा 9999। अब यहाँ 8.41414 लिखा हुआ तो यहाँ पे 8.41 के ऊपर बार यह है ये भी इसमें आएगा, और बाकी देखते हैं इरेशनल में जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, यहाँ पे इरेशनल का हम लगाते हैं तो ये भी ये इरेशनल है 4.231563 डॉट 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 क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह रूट थ्री भी है, रूट 11 भी है, ये भी कोई क्रम फॉलो नहीं कर रहा है तो 72.398456010 ये डॉट 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 जाता जाएगा यहाँ पे डॉट 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 तो ये भी इरेशनल आएगा। पाई भी इरेशनल है और ये 0.56789123 34 ये भी इरेशनल नंबर में आएगा, रूट 5 भी इरेशनल नंबर में आएगा, रूट 15 भी इरेशनल नंबर में आएगा, और 3003.101 फिर 00 फिर 1000 फिर 1 इस ये भी इरेशनल नंबर में आएगा क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में नहीं है। अब अगला कह रहा है जो कि इसमें इरेशनल नंबर जो है उस पर एक सर्कल लगाना है, तो रूट 23 जो है इरेशनल है, ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो ये 15 का स्क्वायर होता है तो ये 225 तो ये निकल जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा तो ये रैशनल आ जाएगा। 14 भी रैशनल है, रूट 14 ये रैशनल है और ये तो रैशनल है क्योंकि ये 1.41 के ऊपर बार आ रहा है, रूट 16 भी
रैशनल है, क्योंकि ये भी 4 का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये और ये इरेशनल नंबर हुआ। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।